इस तरीके से अगर आप कॉलर आईडी लगाना चाहते हैं या फिर अगर आप किसी का अपना फुल फ्रेम फोटो लगाना चाहते हैं किसी का भी किसी के कॉन्टेक्ट में, तो आप इस तरीके से लगा सकते हैं। ठीक है, ये सिंपल सा तरीका था जो कि एंड्रॉयड खुद ये जो है फीचर देता है। हाय गाइस, स्वागत करता हूं आपका फिर से एक ब्रांड वीडियो में। तो आज के इस वीडियो में आप जानने वाले हैं हाउ टू सेट फुल स्क्रीन फोटो ऑन इनकमिंग कॉल्स। आपने कई बार नोटिस किया होगा किसी दूसरे के फोन में कि जब भी कोई उसके फोन में कॉल करता है, चाहे उसके माँ पापा भाई बहन वाइफ गर्लफ्रेंड फ्रेंड कोई भी, तो उसके फोन की डिस्प्ले पे उसका फुल स्क्रीन फोटो आ जाता है, जैसा कि अभी आपको यहाँ पे दिख रहा है। तो बेसिकली इसको ना कॉलर आईडी भी बोलते हैं। तो ऐसा कॉलर आईडी अगर आप अपने कॉन्टेक्ट में लगाना चाहते हैं तो कैसे कर सकते हैं, यानी कि आप चाहते हैं आपके भी फोन में अगर कोई कॉल करे तो आपके भी डिस्प्ले पे फुल स्क्रीन उसका फोटो आ जाए। ठीक है, तो ऐसा आप कैसे कर सकते हैं, तो इस वीडियो में मैं आपको कंप्लीट गाइड करने वाला हूं। तो चलो मेरे साथ इस वीडियो का एंड तक देखते हैं और समझते हैं पूरे प्रोसेस को स्टेप बाय स्टेप। तो गाइस अभी जो है मैं ये आपको करके दिखाऊंगा। तो बेसिकली यहां पे जो है मैं रियलमी का फोन यूज कर रहा हूं, हो सकता है आप किसी दूसरे ब्रांड का फोन यूज कर रहे हो, डजंट मैटर, आप बस प्रोसेस को फॉलो करो। ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि आपका जो कॉलिंग का ऐप है, ठीक है, सिंपली से आप इसके अंदर आ जाओ एंड यहां पे जो है आपको कॉन्टेक्ट दिख रहा है इसके अंदर आ जाओ। उसके बाद सिंपली से आपको क्या करना है कि यहां पे आपको कोई भी एक कॉन्टेक्ट को जो है ओपन कर लेना है। तो मैं यहां पे कोई भी एक कॉन्टेक्ट को ले लेता हूं, जैसे कि इस कॉन्टेक्ट में यहां पे ओपन कर देता हूं। देखो ओपन करने के बाद आपको ऊपर में जो है प्रोफाइल का आइकन दिख रहा होगा। ठीक है, जैसे ही आप इस प्रोफाइल पे क्लिक करेंगे तो देखो यहाँ पे दो ऑप्शन आ रहा है, टेक फोटो यानी कि आप कैमरे के थ्रू डायरेक्ट फोटो खींच सकते हैं, और दूसरा है सेलेक्ट अ फोटो यानी कि अपने गैलरी से यहाँ पे कोई भी फोटो लगा सकते हैं। तो इसका यहाँ पे एक और तरीका है, ये चीज़ मतलब करने का एक और तरीका है, कैसे, तो इसको कैंसिल करके देखो ऊपर में दो डॉट दिख रहा है, सिंपली से यहाँ पे क्लिक करो एंड यहाँ पे एडिट जो है उस पर क्लिक करो। उसके बाद देखो सेम यहाँ पे भी जो है प्रोफाइल का आइकन आ गया है ना, तो यहाँ पे भी क्लिक करो, सेम आपको ऑप्शन मिलेगा टेक फोटो सेलेक्ट अ फोटो। तो अब यहाँ पे अगर कैमरे से फोटो आपको लेना है तो टेक फोटो में चले जाओ, कैमरा डायरेक्ट आप फोटो क्लिक कर सकते हैं, और अगर आपको गैलरी में आपने कोई फोटो खींच के रखा हुआ है पहले से तो आप टेक अ फोटो पे क्लिक करो एंड यहाँ से आप अपने गैलरी से जो भी फोटो आपको चाहिए, आपको जो भी अच्छा लगता है कि हाँ मुझे लगाना है, जिसका भी फोटो लगाना है जिसके कॉन्टेक्ट पे, उसका अच्छा सा एक फोटो वहाँ पे चूज कर लो। उसके बाद आप यहाँ पे जो है क्रॉप कर सकते हैं, मतलब कितना उसका फोटो आपको दिखाना है। ठीक है, आप अपने हिसाब से जो भी अप्रोप्रिएट लगे यानी जो भी फिट हो जाए उतना आप अपने हिसाब से रख लो एंड उसके बाद सिंपली से आपको क्या करना है, डन कर देना है। ठीक है, रिसाइज करने के बाद ऊपर में आपको डन कर देना है। डन कर दिया, आप देख सकते हैं कि यहाँ पे प्रोफाइल पे जो है अब वहाँ पे नॉर्मल था, अभी हट के अभी यहाँ पे फोटो जो है सेट हो चुका है। अभी ये फोटो आ रहा है या नहीं आ रहा है अभी मैं आपको दिखाता हूँ। ठीक है, तो देखो जैसे ही उसने मुझे कॉल किया तो अब उसका फोटो आ गया है। ठीक है, तो देखो अभी पहले कैसा था और अब देखो कैसा आ गया, हो गया है। हाँ, पहले क्या था कि वो एकदम नॉर्मल सा दिख रहा था और अब जो है फोटो के साथ में दिख रहा होगा, तो डिफरेंस आप खुद ही देख सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से अगर आप कॉलर आईडी लगाना चाहते हैं या फिर अगर आप किसी का अपना फुल फ्रेम फोटो लगाना चाहते हैं किसी का भी किसी के कॉन्टेक्ट में, तो आप इस तरीके से लगा सकते हैं। ठीक है, वैसे इसके लिए और भी एप्लीकेशन भी आता है जिसके थ्रू आप ये कर सकते हैं, तो इस वीडियो के अंदर हम उसके बारे में बात नहीं करेंगे। ये सिंपल सा तरीका था जो कि एंड्रॉयड खुद ये जो है फीचर देता है। तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, कैसा लगा आपको ये वीडियो बताना जरूर नीचे कमेंट करके। अगर ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना, दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना, और अगर इस वीडियो के रिगार्डिंग कोई भी डाउट है, सजेशन या फिर कोई सवाल है तो नीचे कमेंट कर देना, 100% ट्राई करूंगा आपके कमेंट का रिप्लाई करने का। और अगर आपका कोई जेन्युइन सवाल हुआ तो आपके ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो लेकर आ जाऊंगा। गाइस सिर्फ आपके लिए यहां पे दो वीडियो का लिंक दे रहा हूं, जो भी आपको पसंद है उस पर क्लिक करो एंड एंजॉय करो।